आप सामने ही देख रहे हो काजा मोहम्मद, और ये काजा मोहम्मद काफ़ी पुराना शॉप है। इंडियन और पाकिस्तानी सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस होती है। और ये बादशाह का एरिया है और यहाँ पे आपको जो कुछ भी इंडियन चीज़ें चाहिए आराम से मिल जाते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों आज मैं फ़िलहाल अभी हूँ बादशाह में, और बादशाह में आपको यहाँ पे बहुत सारी इंडियंस दुकानों के साथ साथ दूसरी कई सारी चीज़ों के सामान मिल जाते हैं। और ये रोड का नाम है अविनी दे फिलिप सैमुअल मगवाया। तो हम लोग चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा पुराना दिल्ली, वैसे ही आप इस जगह को मपुटू का पुराना मपुटू कह सकते हो, क्योंकि यह जगह काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे आपको काफ़ी पुराने घर और पुर्तगाल के टाइम के घर भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ के जो लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो भी कई सारे आपको इंडियंस पाकिस्तानी मिलेंगे, जो कि काफ़ी सालों से पीढ़ियों से रह रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, हम अभी है अविन्यू दे फिलिप मशेल मगाया। तो दोस्तों आप देख सकते हो रोड ऊपर की तरफ जा रही है, जो सामने आप देख रहे हो ये है ब्लू स्काई होटल। ये एक होटल है, अगर आप कुछ दिन के लिए रुकने वाले हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ पे 3 से 4 हज़ार मेडिकास पर नाइट का यहाँ पे है रेंट, और ये है व्यू यहाँ का। तो दोस्तों अब हम यहाँ से करेंगे लेफ्ट में टर्न, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ब्लू स्काई के सामने ही आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे है आंजू। जैसे कि नीचे आपने काजा मोहम्मद देखा, वैसे ही यहाँ पे ये आंजू करके एक शॉप, एक दुकान है जहाँ पे आपको सब कुछ इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग ने लेफ्ट में टर्न मार लिया है और अविनी दे जोशीना मशेल रोड पे हम सीधे सीधे जा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंड तक पहुँचेंगे तो हम राइट में टर्न मारेंगे और अपने को मिल जाएगा अविनी दे गेरा पॉपुलर, जो कि हम वो लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा। दोस्तों मपुटू में आपको बहुत सारी चप्पलों की फेराज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन की जो भी चीज़ें होती है उनकी दुकानें, और कपड़ों की दुकानें, सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकानें, काफ़ी सारे बिजनेस की आपको शॉप्स और आरमाजे यानी कि होलसेल की दुकानें मिल जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गेरा पॉपुलर वाले रोड पे, और जैसे कि मैंने उस दिन बताया था यह रहा हिंदू समाज का मंदिर, यहाँ पे एग्जैक्टली है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिदाद हिंदू मपुटू, यहाँ पे आपको शिव जी का मंदिर है और काफ़ी हनुमान का भी मंदिर है, काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे सारे इंडियंस वहाँ पे मिलते हैं और सारे फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अब तक वहाँ का पूरे का डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं सोच रहा हूँ बहुत ही जल्द उस पर भी मैं एक वीडियो बना लूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं विंती क्वात्रु जूलियो, अविन्यू दे विंती क्वात्रु जूलियो। आपने ये कई बार ऑलमोस्ट सारे ही रोड वाले जो मेरे वीडियोस है उसमें आपने ये सुना होगा। तो ये जो लेफ्ट से राइट में जो रोड जा रहा है वो विंती क्वात्रु जूलियो है, और ये गेरा पॉपुलर कंटिन्यू होते हुए सीधा सीधा हम ऊपर जाएंगे। अब दोस्तों लेफ्ट में जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि मोबाइल, टेलीफोन, चार्जिंग केबल, ये वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो दुबई से वगैरह आती है, और मोस्टली इस बिज़नेस में आपको पाकिस्तानी और मुसलमान जो भाई है हमारे, वो सब के बिज़नेस आप इनको देख सकते हो। तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं यहाँ पे। तो अब टाइम आ चुका है लेफ़्ट में टर्न मारने का और आ जाएगा अविन्यू दे अद्वारदुमुन लैन, और ये हम पहुंच चुके हैं अविन्यू दे अद्वारदुमुन लैन। और अब सीधा सीधा ही है, आपने दूसरे भी वीडियोस में काफ़ी बार देखा ही होगा, क्योंकि ये रोड पे काफ़ी बार जाने को होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मपुटू में तीन प्रकार के सीधे और तीन प्रकार के
आड़े ऐसी मेन ये रोड है, उसके बाद में काफ़ी सारे गलियां है, लेकिन सिस्टमेटिकली है आपको ज़्यादातर पूरे मोजाम्बिक में इसी तरीके से सिटी मतलब बसाई हुई मिलती है, जहाँ पे आप मैप देखोगे तो स्क्वायर के साइज़ में सारे रोड्स आपको मिलते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट में पूछा गया था कि यहाँ पे मिनिमम सैलरी कितनी है। दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरी जो कही जाती है वो 8,000 मेडिकास के अराउंड है, और दूसरी बात कि वो मोजाम्बिकन पीपल के लिए होती है, और अगर आप इंडियन या कोई और कंट्री से हो तो आपकी मिनिमम सैलरी अब 50,000 हो चुकी है, यानी कि आपको मिनिमम उतनी अमाउंट तो आपको दिखानी ही है, और उसके बाद में उस पर जो भी टैक्स वगैरह है वो भी भरने पड़ते हैं। तो लोगों ने पूछा कि कितनी सैलरी होती है और उसमें गुजारा होता है कि नहीं, तो उसके लिए पूरा डेडिकेट एक वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ सके कि किस तरीके से यहाँ पे खर्चे होते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी एडवर्ड मुनलेन जो स्टैचू है वहाँ पर, और यहाँ से हम लोग मारेंगे राइट में टर्न और लेफ्ट में आपको अवेन्यू दे तंजानिया मिल जाएगा, ले जो कि मैंने पहली वीडियो में बताई थी, बात की थी। आपको अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिसमें आपको काफ़ी कुछ मपुटू के बारे में देखने और सुनने मिल जाएगा। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं विंतियू दे ऑक्टूब्रू प्रासा पे, प्रासा यानी सर्कल। तो अभी जो सर्कल आने वाला है उसका नाम है विंतियू दे ऑक्टूब्रू, जहाँ से मैंने लास्ट वाला वीडियो स्टार्ट किया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहिए, और ये वीडियो को वाइंड अप करते हुए आपको आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो दोस्तों मैं हूँ अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।